उसको कुछ हो ना जाए, जेल जाऊंगा मैं, पता ये भी तोड़ दे, ये भी तोड़ दे, ये भी तोड़ दे, सब तोड़ दे। वो आया बहुत तेजी में भागता और मैं भी जा रहा था, नहीं 7 बजे से लेके इवनिंग बात करता। देखिए 4 साल पहले की, मैं कोटा में था और कोटा में कुछ ऐसे क्लासेस होती थी, स्पेशली जब मैं गया था किसी कोचिंग में, उन्होंने बोला था कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कितनी क्लास ले पाओगे। तो डायरेक्टर साहब थे, वो भी पढ़ाते ही थे, बोल रहे थे कि आप कितनी क्लास ले पाओगे, हम लोगों में तो बहुत ज़्यादा लोड है, बहुत क्लासेस होती है। तो मैंने उनसे बोला कि ऐसा करो कि आप जितना पढ़ाते हो ना सर, उसे 2 क्लास मेरा ज़्यादा लगाना। तो ऐसे देखने लगे, 2 क्लास ज़्यादा, हाँ तो टोटल 2 क्लास लगा देंगे सर, तो सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक क्लास हो जाएगी। मैंने बोला कि मुझे नहीं पता कितनी हो जाएगी, आप जितना ज़्यादा, आप जितना पढ़ाते हो ना, आप कह रहे हो कि सबसे ज़्यादा आप पढ़ाते हो, ठीक है आप जितना पढ़ाते हो उसे 2 क्लास ज़्यादा लगाना, ठीक है। तो उन्होंने लगा दिया और मेरी क्लासेस हो गई रोज़ की 6 मॉर्निंग 7 बजे से लेके इवनिंग 7 बजे तक, 6 क्लास लगातार झमाझम, और पूरे साल भर पढ़ाया, परेशानी हुई लेकिन पढ़ाया। तो उसमें क्या होता था कि 2-3 बिल्डिंग थी, तो 2 क्लास इस बिल्डिंग में हो गया, 30 क्लास उस बिल्डिंग में है, तो क्लास छोड़ के मुझे भागना पड़ता था। तो एक दिन मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा था, है ना, अपनी BMW लेके जा रहा था, BMW, और मेरी रफ्तार ज़्यादा नहीं रहोगी, मैं भी तेज चला रहा था वैसे, कुछ 60-70 किलोमीटर पर आवर के रेंज में रहा होगा। तो मेरा रफ्तार ये था, वेलोसिटी ऑफ MR, और उधर से रॉन्ग साइड पे एक दूध वाला बाइक चलाते हुए आ रहा था। उसके बाइक की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि भाई साहब वो ना ऐसा बाइक को चलाते हुए आ रहा था, वो इस तरफ आ रहा था और उसकी रफ्तार थी 80 किलोमीटर पर आवर, और वो दूध वाले जो होते हैं ना, वो आसपास में टंकी भी लटका देते हैं, है ना, टंकी भी लटका देते हैं, कुछ 80-100 के आसपास रही होगी। वो आया बहुत तेजी में भागता हुआ और मैं भी जा रहा था, मैं देख रहा हूं कि वो बहुत तेजी से आ रहा है, मुझे साइड लेना चाहिए। तब तक वो आके यहां ठोकर मारा, हेडलाइट उड़ाता हुआ, गेट तोड़ता हुआ और पूरा डेंट मारता हुआ यहां गिर गया। अब मैं घबरा गया, अरे यार ये तो गिर गया, अब क्या करूं मैं, मुझे बहुत डर लगा ये उसको कुछ हो ना जाए, जेल जाऊंगा मैं। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरा हेडलाइट टूट गया, गाड़ी खराब हो गया, पूरा डेंट मार हो गया। मैं उतरा, मैं डर रहा था, लेकिन मेरे से ज्यादा ये डर रहा था कि मैंने उसकी गाड़ी तोड़ दी पूरी। मतलब भैया 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 तो लगा कि मैं उसको पकड़ने के लिए भाग रहा हूँ। वो उठा, बाइक पे बैठा और पार फिर मैं हंसने लगा, अच्छा हुआ कि चला गया, आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन वो चला गया, मुझे सुकून मिला, अरे यार बहुत बढ़िया चला गया। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो कुछ हो ना जाए उसको, फिर मुझे जेल जाना पड़ेगा, लेकिन मैं बच गया। उसको लगा कि उसने गाड़ी तोड़ दी तो मैं उसको पकड़ के मारूंगा, लेकिन मारने के लिए नहीं, मैं तो देख रहा था उसको कुछ हुआ तो नहीं, ठीक है। फिर मैं इंश्योरेंस कंपनी वाले को बोला, उसके इंश्योरेंस कंपनी में रिपेयरिंग सेंटर पे अपनी गाड़ी को ले गया, है ना, बोला कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो वो कहता है, एक दिन उसने सर्वे किया और कहता है कि सर देखो, आपकी गाड़ी का हेडलाइट टूटा मुझे समझ आया, जब हेडलाइट टूटा तो हेडलाइट टूटना चाहिए था, यहां पे डेंट कैसे आ सकता है सर, ये सेम एक्सीडेंट का नहीं है, मैं सिर्फ हेडलाइट का इंश्योरेंस करूंगा, उसका मैं आपको पेमेंट करूंगा और ये आपको खुद कराना होगा, क्योंकि ये इस एक्सीडेंट का नहीं है, ये पहले कभी का है। मैं तो गाड़ी देके आ गया था, उसका फोन आया कि सर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस पास नहीं हुआ, क्योंकि ये समझ ही नहीं आ रहा उसको कि ऐसा एक्सीडेंट कैसे हो सकता है। मान लो कोई बाइक वाला आ रहा, तो बाइक वाला या तो आगे तोड़ेगा, नहीं तो साइड में तोड़ेगा, यहां पे कहीं तोड़ेगा नहीं तो यहां तोड़ेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये भी तोड़ दे, ये भी तोड़ दे, ये भी तोड़ दे, सब तोड़ दे, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने उसको फोन किया, मतलब सॉरी उसने मुझे फोन किया और समझाया, मैंने बोला आप कहां हो, तो मैं तो अपने ऑफिस में हूं, एक बार आओगे, तो नहीं नहीं मैं तो नहीं आ पाऊंगा, आपके गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने बोला एक बात बताओ, एक की स्पीड है 60 और एक की स्पीड है मान लो 80 और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों कहां जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, एकदम सेम डायरेक्शन में, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। बोला हमको नहीं आता रिलेटिव वेलोसिटी, हम पढ़ाते हैं, 2 मिनट सुनो, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, मान लो ये 80 से जा रहा और ये 60 से जा रहा, किलोमीटर पर आवर, और ये 80 वाले ने 60 को जाके ठोक दिया, तो कितनी रफ्तार से ठोकेगा, 80 से, 60 से,
140 से कि 20 से? कोलिजन किस रफ्तार से होगा, 140 से, 20 से, 80 से कि 60 से? बताओ, ए कार ने बी कार को कितनी रफ्तार से ठोक दिया? यही सिचुएशन है, ये 80 से जा रहा आगे, ये 60 से जा रहा आगे, किसी ने ब्रेक नहीं मारा, इसने जाके ठोक दिया, तो कितनी से जाके ठोका होगा? बताओ, ये जा रहा 80 से और ये जा रहा आगे भाग रहा 60 से, जब ये पीछे जाके ठोकेगा तो इनका कोलिजन होगा सिर्फ 20 से, और इस कोलिजन में एकदम हल्का सा डेंट आएगा, हल्का सा ग्लास ब्रेक होगा या कुछ भी, थोड़ा सा क्षति होगा। लेकिन यही सिचुएशन जब ऐसा हो कि एक कार जा रहा 80 से आगे और दूसरा कार आ रहा 60 से पीछे, सेम 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 स्पीड, 80-60 80-60, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो अब कोलिजन कितने से होगा बताओ? अब कोलिजन कितने रफ्तार से होगा, 80 से, 60 से, 140 से कि 20 से? तो मैं इधर जा रहा रफ्तार में, मेरी तरफ आगे भाग रहा, धुआंधार कोलिजन होगा। तो अब रिलेटिव मोशन कितने की हो गई, रिलेटिव स्पीड कितने की हो गई, रिलेटिव स्पीड हो गई 140 की। अब कोलिजन होगा 140 का। मैंने बोला बस सिनेरियो यही था, डायरेक्शन अपोजिट हुआ, बस स्पीड सबका सेम है, डायरेक्शन अपोजिट हुआ। बोला हाँ, पहले अगर मान लो क्षति x का होता है तो बाद में कितने x का नुकसान होगा? मान लो 20 से x का नुकसान होता है तो 140 से कितने x का नुकसान होगा? 7 गुना। अब 7 गुना में तो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, पीछे से और मैं ईटा मार के तोड़ दूंगा, वो भी आएगा, अब तू सब देगा। उसने क्या किया फिर बताओ? उसने बोला कि सर आपका पूरा गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सेप्ट हो गया है, पास हो गया है, वेरीफाई हो गया है, अब सर आप गाड़ी का काम कराओ, ईटा मत मारना सर गाड़ी में। मैंने बोला कि ठीक है, बस तुम बिसलेरी का पानी पी लेना, आराम करो।